ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहां पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई प्लस माइनस 2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा ख़तरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए हैं, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है, तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपके ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए इसको बता दूँ, राहु क्या चीज़ है सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F=gm1m2/r², तो m1 m2 क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ, तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। अब हम मकर लगन वाले जातकों का देखते हैं कि ये राहु केतु का परिवर्तन आपको कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचाता है। देखिए, आपका जो राहु है इसका राशि परिवर्तन आपके लगन भाव से पंचम में होने वाला है, और अपने मित्र शुक्र की राशि में है जो कि आपके लग्नेश का भी मित्र है, इसलिए प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएंगे। पंचम स्थान, दशम स्थान और अष्टम स्थान, ये थोड़ा राजनीति से भी रिलेट करा देता है। तो राजनीतिक भविष्य जिनका लगन मकर है, जिनका लगन मकर है, उनके राजनीतिक भविष्य में अचानक देखिएगा एक स्पाइक देखने को मिलेगा। मैं गोचर की केवल बात कर रहा हूँ, जो अंतिम निर्णय होगा दैट विल डिपेंड अपॉन योर लगन कुंडली। तो यहाँ पर शुक्र की जो उपस्थिति है वो आपको राजनीतिक ऊंचाई तो निश्चित रूप से देने वाला है, संतान का भी सुख यहाँ पर प्रदान करेगा, और प्रेम प्रसंग बढ़ा चढ़ा कर रखेगा। इसकी पांचवी दृष्टि क्योंकि धर्म स्थान पर जाकर पड़ेगी और अपने मित्र पर पड़ेगी, तो राहु देखिए कभी भी धार्मिक कार्यों के लिए नहीं जाना जाता है, और इवन धर्म के जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, उसके साथ जब ये संयुक्त तो होते हैं तो गुरु चांडाल दोष उत्पन्न कर देते हैं। नवम भाव क्या होता है आप सभी को पता चल गया होगा, नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, और उस पर जब केतु राहु की दृष्टि पड़ेगी तो धार्मिक कार्यों को तो आप करना चाहेंगे, लेकिन कुछ रुकावटों के बाद ही आप धार्मिक कार्य कर पाएंगे, और धार्मिक कार्य करने में आपको काफ़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, और पिता से भी कुछ मतभेद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। राहु की जो नौवीं दृष्टि होगी वो आपके लगन पे पड़ेगी और शनि के साथ नवम पंचम योग बनाएगा, तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा उत्साहित करेगा। और रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो पंचम स्थान है वहाँ पर खुद राहु बैठा है और लग्नेश को देख रहा है, और लग्नेश कहाँ देख रहा है, सप्तम स्थान को, तो युति तो बना दिया आपका, पंचम सप्तम की युति बना दिया, तो प्रेम प्रसंग होगा और प्रेम में सफलता भी यहाँ पर दिला देगा। लेकिन जो केतु की उपस्थिति है वो आपके लगन से एकादश स्थान पर है और अपने शत्रु राशि में है,
तो कहा जाता है शत्रु राशि में क्रूर प्लेनेट जो होते हैं वो प्रभावशाली हो जाते हैं, इसलिए केतु यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट ही देने वाला है, इनकम के स्रोत को बढ़ाएगा और साथ में इसका इसकी जो पंचम दृष्टि होगी आपके मेहनत पे जाएगा, तो छोटे भाई बहनों से थोड़े से संबंध यहाँ पे खराब कर सकता है। तो ये था राहु और केतु की दृष्टियों का कमाल पूरा। अगर अभी तक आपने लगन को सुना होगा तो एक तो कर्क लगन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला और एक मकर लगन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला, बाकी लगन में कुछ पोर्शन पॉजिटिव मिला और कुछ लगन में तो एकदम पॉजिटिव नहीं मिला, जो कि गोचर के अकॉर्डिंग और ग्रहों की उपस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। नए व्यूवर्स को बता दूं कि आज कुंडली एक्सपर्ट ने एक यानी कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने एक मैगज़ीन लॉन्च की है ज्योतिष विज्ञान करके, और इसके इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए दी गई है। क्योंकि देखिए जब मैं YouTube पे आया था, नया भी था, तब भी मैंने बोला था मेरा दिली सपना है कि कुछ बड़ा करना, मैं दिल से सोचता हूँ कि कुछ ऐसा बड़ा काम करूँ जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो। तो मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है, आप कमेंट करके, निगेटिव कमेंट करके, काफ़ी लोग तो ऐसे लिख देते हैं कि सर केवल निगेटिव निगेटिव बातें बता दी हैं, जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव भी बताऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ, ऑनेस्ट प्रेडिक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन किसी के पक्ष को देखकर नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ अगर कभी भी ऐसा हुआ हो कि किसी पक्ष को देखकर प्रोडक्शन किया गया, तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा जो मेरी प्रोडक्शन है मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमेशा जो मेरा प्रोडक्शन होता है वो ऑनेस्ट प्रोडक्शन ही मैं देता हूँ, और किसी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष लोग नहीं है जिसके लिए मैं केवल पॉजिटिव बोलूं या केवल नेगेटिव बोलूं। तो जाते जाते कुंडली एक्सपर्ट महादेव लाइव सेशन का जो पांचवा सेशन है, इसका प्रसारण जो है रविवार 8:15 से 8:45 पर होगा, और जो लोग चैटिंग पे लिखते थे, रिप्लाई करते थे, उनके क्वेश्चंस को अब हम मैगज़ीन में लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और 8-10 लोगों के क्वेश्चन हम मैगज़ीन में प्रकाशित करेंगे। जिन्होंने अभी तक कुंडली एक्सपर्ट का ये ज्योतिष विज्ञान मैगज़ीन नहीं डाउनलोड किया है वो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लें, और अगर फिर भी नहीं मिला है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप लिखिए कि आपको इसकी एक कॉपी चाहिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।